Assalamualaikum guys, I hope you are doing well. जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है यूएई की, तो पहले भी इसके ऊपर दो तीन वीडियोस हैं, अभी फिर एक आज वीडियो है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रोडक्ट का पता नहीं चल रहा है कि प्रोडक्ट एवेल्युएट कैसे करनी है, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करनी है, और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो, अपना कंपटीशन देखो, आप जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो उसके अंदर अपना मार्जिन देखो। अब लेट्स से कि आप कहते हो मेरे पास 5,000 दिरहम है, तो 5,000 दिरहम में आप सर्वाइव करोगे, होलसेल ही इसके अंदर ठीक है, प्राइवेट लेबल जो है उसमें सर्वाइव करोगे आप। अच्छा खैर, प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है आपने? मैंने फॉर एग्जाम्पल कार चार्जर लिख लिया, यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ब्रांड भी सेल कर रहे हैं, तो मुझे देखना होगा कि मुझे प्रोडक्ट किस प्राइस में चाहिए, किस रेटिंग में चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी जो है कंपटीशन बीट कर सकता हूँ। तो मुझे तो चाहिए कि मैं ऐसे चाहूँगा कि या तो प्रोडक्ट ऐसी बिक्री हो जो रेटिंग में अच्छी ना हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, वहाँ पे मैं जाके उसकी जो गैप को कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो या मैं चाहूँगा कि प्रोडक्ट जो बहुत एक्सपेंसिव बिक्री है, बहुत एक्सपेंसिव, तो मैं उसको थोड़ा सा लो प्राइस में लेके आऊँ ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। तो इसमें ये देख सकते हैं आपके, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने फॉर एग्जांपल कार चार्जर लिखा, सिलेक्ट सर्च किया, तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स शो हो गए। उसके बाद आप आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, देखें आप यहाँ पे ये कस्टमर रिव्यूज़ हैं, उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये किया था 2 स्टार वाला। उसके बाद आप ब्रांड चूज़ कर सकते हो, देन उसके बाद आप प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मोर देन यही कहूँगा कि आप खुद लिख लो 72, आप जितना मर्जी कर लो, मैं 200 कर देता हूँ। और मेरे पास ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। खैर इसमें मिक्स भी होंगी और रेटिंग भी अप डाउन होगी, नो वरीज, लेकिन वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेंगे। खैर सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखो कि अब आपने कम्पीट किसको करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंकर यूग्रेन को तो कम्पीट ही नहीं कर सकते ना, डोमिनेंट है पूरा। शाम भी देख ले, ये भी पूरा डोमिनेंट है, तो ये चीज़ है। अब इसमें आपको देखना ये है कि प्रोडक्ट अच्छी कौन सी बिक रही है, बिक तो ये सारी रही है। अब जब आपने ये प्रोडक्ट बेचनी है तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी प्राइवेट लेबल के लिए, ठीक है। और फिर एक साथ आपको 3-4 प्रोडक्ट्स लेके आनी पड़ेंगी, 5 प्रोडक्ट्स लेके आनी पड़ेंगी जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। अब जैसे ये 3.4 रेटिंग दे रहा है, ये आई थिंक प्रोडक्ट भी कोई अन रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं लगता मुझे, तो इसी तरह खैर ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने आइडिया लेना है कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है या क्या है, तो वो सॉर्ट बाय फीचर में आप देख सकते हो। न्यू अराइवल्स में चले जाओ, यहाँ पे देखो कि कौन क्या नया लॉन्च कर रहा है। अब ये देखो 1 स्टार, इट मीन्स ये नया लॉन्च हुआ है, ये 1 स्टार है, ये नया लॉन्च हुआ है। अच्छा ये 23 है, ये कोई नया लॉन्च आ गई, नई लॉन्च आ गई है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि नई नई लॉन्चेस भी आ रही हैं, लोग कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ब्रांड को 70-80 ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको 70-80 लेने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको 2-3 दिन के 4-5 ऑर्डर्स आ जाए तो भी बहुत है। लिस्टिंग्स बढ़ाते जाएँ, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कवर होती जाएंगी। इस तरह आप कॉम्पिटिशन बीट कर सकते हो, अदरवाइज नो चांस, आप कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर सकते इन बड़े ब्रांड्स के अंदर। तो मैं तो यही है कि ब्रांड्स को ही हमें प्रेफर करता हूँ कि इनकी प्रोडक्ट्स को आप देखो और यहाँ से ही प्रोडक्ट देख के करो, ठीक है। तो क्योंकि आप दूसरी प्रोडक्ट के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो फिर आप जब उसको ढूंढोगे तो देन उसके बाद आप आगे जाके उसको वो करोगे। तो उसमें वैसे ही अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर या जो प्रोडक्ट्स आप बहुत ज़्यादा वो सेल कर रहे हैं, उस तरह जिनकी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है या जो कुछ भी है, खैर उसको आप कर सकते हैं, सॉरी उसमें आप सर्वाइव करेंगे। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, अब देखें कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी इमेजेस हैं। अब लेट्स से आप खुद कनवा उठाओगे और करना शुरू कर दोगे लेकिन आपको आता भी नहीं, तो डेफिनेटली आप सर्वाइव करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब न्यू फीचर में भी आप जाके प्राइस प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो, बेस्ट सेलर्स में भी जाके प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो, एक स्पेसिफिक नीच को भी फाइंड कर सकते हो। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, ट्रैक तो आपको करनी पड़ेगी। अब लेट्स से मैं देखूँ कि मुझे होम एंड गार्डन में जाना है, तो मैं होम एंड गार्डन के अंदर मैं उसको निच को सिलेक्ट करके तो उसके बाद मैं उसको ओके कर दूंगा और यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट्स आ गए हैं, अब आप देख सकते हैं कि इसके ये चीज़ें किस तरह, कुछ चीज़ें सीजनल भी होती हैं,
अब आपको पता है दुबई के अंदर सीजन, जो दुबई में रह रहे हैं उनको पता है कि क्या चीज़ें किस तरह है और किस तरह चल सकती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में तो आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो है ये सर्टिफिकेशंस भी मांगती हैं, दुबई का लाइसेंस भी मांगती हैं, तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें सेलर्स को फ्री शिपिंग मिली हुई है, वेंडर्स को, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनको फ्री शिपिंग मिली हुई है, तो बचाव यही रहे हैं, मतलब 10 सेंट, 20 सेंट, 5 सेंट, कोई इस तरह बचा रहे हैं। तो आप वो भी नहीं बचा सकते क्योंकि शिपिंग आपको फ्री नहीं है, आपको शिपिंग पड़ेगी। ठीक है, तो खैर इस तरह है सारी चीज़ें। लेकिन जब आप एक तरह से एक प्रोडक्ट फाइंड करते हो, उसके नीचे 4-5 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, 6-7, तो एक आइडिया आप ले सकते हो प्रोडक्ट का फाइंड करने के लिए, जिससे आपको ईजी हो सकता है प्रोडक्ट फाइंड करना। बाकी 5,000 में जो है आप एक अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च तो कर लोगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं जाएगा वो प्राइवेट लेवल सक्सेसफुल नहीं जाएगा वो। एक अगर आप कहते हो कि मैंने कर भी लिया सक्सेसफुल, दैट इज नॉट गना बी लॉन्ग इन अ लॉन्ग टर्म। आपको प्रोडक्ट्स बढ़ानी ही चाहिए अपनी। देखें, अब ये देखें, अब ये 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएशन इसने डाल दिए। कोई 195 की है, ये 2 ऑप्शन फ्रॉम 433 की, वो उसमें 2 ऑप्शन दे दिए उसमें, ये 215 की है, 241 की है, 2, 3, 399 की है, ये यानी कि 400 दरहम की। तो खैर ऐसी चीज़ें हैं, बिक रही हैं प्रोडक्ट्स मार्केट में, लेकिन इस तरह की स्ट्रैटजी के साथ आपको आना चाहिए। अब लाइक से इसका 6,000 है, इसको तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे, लेकिन हफ्ते में अगर इसके 3-4 ऑर्डर भी आ जाए, तो जितनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ये, लेट से महीने में 50-60 ऑर्डर भी आ गए, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ गई है, अच्छा खासा मार्जिन वो ले रहा है इसके अंदर। और ये आई थिंक ये यहाँ की भी प्रोडक्ट नहीं है, ये बाहर से आई है, किसी सेल ग्लोबली होके इस मार्केट में आई है, 3180, बहुत हाई रेटिंग है। खैर ये यूनाइटेड किंगडम, इसको वहाँ पर भी 1 स्टार मिला हुआ एक, और ये कब का है, 14 नवंबर 2020, बहुत पुराना है। खैर इस तरह की है सारी चीज़ें, आप उसको इस तरह देख सकते हो, इस तरह भी देख सकते हो, ये इस तरह प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। सऊदीया में भी सेम चीज़ है, सऊदी में अभी इतना वो कंपटीशन आप वो देख लो, क्योंकि लेकिन बढ़ तो रहा है कंपटीशन, बढ़ तो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा। और अगर आपने यूएई के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट अगर आपको मिलती है तो, लेकिन केएसए के अंदर अभी सप्लायर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख दिरहम आपके इन हैंड है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको यूए के अंदर एक अच्छे खासे लेवल पे बिजनेस स्केल करके दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 2-3 लाख दिरहम। और आप मेरी कोचिंग क्लासेस ले सकते हो, जिसमें मैं सिखाता हूँ कि अमेजन पे सेल कैसे करना है, नून कैलिफोर्निया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन वो पेड है, फ्री कुछ भी नहीं है, सब पेड है, ठीक है। और अगर आपको ब्रांड, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मिनिमम कोई 1 लाख 2 लाख दिरहम है, तो मैं आपको ब्रांड्स की परमिशन भी लेके दे सकता हूँ, जो यूए के अंदर बड़े बड़े सॉरी बड़े ब्रांड जो सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स बढ़ानी है, ये सब कुछ करना है, और ट्रेडमार्क कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जाना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी, अपना ख्याल रखिए।